जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज आपके साथ चैप्टर 6 का मैं टेक्स्ट 34 शेयर करना चाहूँगा। फॉर द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्सिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। आइए फ्रेंड्स हिंदी में पढ़ते हैं। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, तथा मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। फ्रेंड्स, इसमें अर्जुन भगवान से वही बात आगे कंटिन्यू करके समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एक डाउट फिर से एक्सप्रेस कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था कि भाई जो मन है भगवान, उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। फैक्ट ही इज यूजिंग एन एग्जांपल कि भाई वो सोच रहा है कि भाई हवा को तो वो फिर भी रोक सकता है, लेकिन उसको लग रहा है कि मन को रोकना इम्पॉसिबल है। तो सोचिए, हवा को रोकना भी वैसे कितना इम्पॉसिबल है, लेकिन अर्जुन कह रहा है हवा को तो शायद वो रोक लेगा लेकिन वो मन को नहीं रोक पाएगा। तो इससे फ्रेंड्स हमें ये समझना चाहिए कि जो माइंड कंट्रोलिंग है, मन को कंट्रोल करना है, वो दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। और इतना पहुँचा हुआ इंडिविजुअल अर्जुन, जिसका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भी यही बात एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप, मैं और सब लोग इस दुनिया में इसी एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं कि मन का कंट्रोल, और वो मन का कंट्रोल ना होने के कारण ही हम लाइफ के डिफरेंट स्ट्रगल्स में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और जिस इंसान ने मन का ये कंट्रोल सीख लिया, उसकी तो ऑब्वियसली हर लाइफ के कंपोनेंट में सक्सेसफुल हो गया वो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। अगले श्लोक में समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया। जय श्री कृष्ण।